जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी में खुली भर्ती की महाघोषणा हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में आपके लिए जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट नई भर्ती है वो निकाल दी गई है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम मौजूद हैं यहाँ पर NVT यानी नव भारत टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है इंडियन आर्मी भर्ती 2020 भारतीय सेना में 8वीं 10वीं और 12वीं पास के लिए निकली भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए इंडियन आर्मी में जाने का सुनहरा मौका है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसके लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी कोई इंडियन आर्मी की जॉब आए सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है भारतीय सेना 8वीं 10वीं और 12वीं पास के लिए भर्तियाँ निकली हैं। इसके लिए कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीख में सेना भर्ती रैली होने वाली है। पूरी जानकारी इस खबर में दी जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लॉकडाउन में आपके लिए अर्जेंट भर्ती निकाल दी गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए ये दोस्तों अहम फैसला यहाँ पर लिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट 2020 भारतीय सेना एक बार फिर से युवाओं को देश में सेवा करने का मौका दे रही है। सेना में कई अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों पर 8वीं पास, 10वीं पास से लेकर 12वीं पास उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है सेना द्वारा इन भर्तियों के लिए रैली का आयोजन किया जाने वाला है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों में रैली आयोजित होने वाली है। इन सभी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी अभी चल रही है। किन पदों पर भर्ती की जाएगी, जिस राज्य में कब रैली होगी, उसके लिए कब तक पंजीकरण करना होगा, पूरी जानकारी आपको इस खबर में दी जा रही है। साथ ही हर राज्य में होने वाली सेना भर्ती रैली की अलग नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन लिंक्स भी दिए गए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आपके लिए जो एज है वो क्या रहने वाली है। मैंने आपको बता दिया 10वीं पास, 8वीं पास और दोस्तों यहाँ पर इंटर पास, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी 8वीं पास, 10वीं पास और दोस्तों 12वीं पास, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो उम्र है वो 17.5 से 21 साल, यहाँ पर 21 साल दोस्तों होने वाली है। और देखिए इंटर पास के लिए 17.5 से 23 साल, और देखिए यहाँ पर जो आपके सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट है उनके लिए 17.5 से 23 साल यहाँ पर रहने वाली है। और जैसा कि आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं, आपके लिए अलग अलग यहाँ पर जो एज है वो दी गई है। और फॉरम में डिप्लोमा के लिए 19 से 25 साल आपके लिए यहाँ पर एज दी जा रही है। अब दोस्तों इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे रहने वाली है ये देख लीजिए। यहाँ पर चयन मेडिकल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और नोटिफिकेशन दोस्तों आपको दिया जाएगा कि आपका यहाँ पर कब तक सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले लिख लिया है पंजाब में वैकेंसी, देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पंजाब में आपके लिए नई वैकेंसी निकाल दी गई है। अगर दोस्तों आप किसी अदर राज्य से बिलोंग करते हैं तो हमें उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि दोस्तों आपके राज्य में जब भी भर्ती निकले आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों इसके जो आवेदन है यहाँ पर 16 जुलाई तक चलने वाले हैं। इसकी जो लास्ट जो दोस्तों डेट है ऑनलाइन आवेदन की वो भाई 16 जुलाई यहाँ पर रहने वाली है। अब दोस्तों नंबर दो पर आप देखते हैं यहाँ पर हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर हरियाणा में कब तक इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इसके जो आवेदन है 16 जून यानी कि 15 जून तक इसके आवेदन लास्ट हो जाएंगे। 16 जून को दोस्तों इसके एडमिट कार्ड आएंगे, और रैली जो है इसकी 1 जुलाई 2020 से लेकर 14 जुलाई 2020 तक यहां पर चलने वाली है। यानी कि इसकी जो रनिंग है वो 1 जुलाई 2020 से 14 जुलाई 2020 के बीच यहां पर होने वाली है। और नंबर थ्री पर दोस्तों श्रीनगर, यहां पर श्रीनगर के लिए भी आप देख सकते हैं, श्रीनगर के लिए आप 17 अप्रैल से 10 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी रैली की जो तारीख है वो 26 जून से 30 जून यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि 26 जून को आपको रैली यहाँ पर शुरू हो जाएगी श्रीनगर में। तो दोस्तों इसके जो अप्लाई लिंक है वो यहाँ पर दिए गए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज दोस्तों आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हमें उसी स्टेट का नाम जरूर बताइए, ताकि जब भी दोस्तों यहाँ पर आपके लिए नई भर्ती आए आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए, और आपके राज्य में जब भी भर्ती आएगी आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। बस दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, बिल्कुल रियल न्यूज दोस्तों आपको यहाँ पर दी जाएगी, वो भी न्यू खबर के अनुसार। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।